तो ये देखो अभी पूरा फिटिंग हो गया है, नट वगैरह टाइट कर दिए। ठीक है, अब आपको ये जो ब्लोअर का बेस है ये लगाना है। ठीक है, तो ये एक ही पोजीशन में बैठेगा, उल्टा सुलटा लगाओगे तो बैठेगा नहीं। इधर जो एक टीट है ना ये बड़ा है, ये देखो ये इसी पोजीशन में बैठेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो हमारा इंजन का टाइमिंग है ना वो रहता है। इसके लिए ये किसी भी एंगल में बैठता नहीं। ठीक है, ये लगा दिया, ये अभी टाइट कर लेता हूँ। इसके बाद इसके ऊपर ब्लोअर लगा देता हूँ। ये ब्लोअर के 3 बोल्ट है, ये भी एक ही पोजीशन में बैठेगा। कैसा भी लगाओगे आप ना, 3 बोल्ट मैच करके तो लगेगा नहीं वैसा, क्योंकि इधर टाइमिंग होता है ये और ये। ठीक है, तो ये क्रैंक का टॉप का टाइमिंग होता है, इसके लिए ये कंपनी ने ऐसा रखा है, एक ही एंगल में ये फिट होता है। नहीं तो किसी भी एंगल में फिट हो जाता तो क्या टाइमिंग मिलता नहीं इधर हमें। ठीक है, तो ये सब ब्लोअर लगा वगैरह देता फिट हूँ। करने के बाद हमारा जो पिस्टन है पुराना ही पिस्टन है, और उसकी रिंग भी एकदम अच्छी कंडीशन में थी, हमने चेक की थी, वही हमने सिर्फ साफ़ करके यूज़ किए। तो पिस्टन की रिंग का जो क्लॉकिंग होता है या फिर एडजस्टमेंट कैसे करते हैं ये आपको अगर मालूम नहीं है तो मैंने उस पर ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया, ऊपर नोटिफिकेशन आएगा, वो आप उधर क्लिक करके देख सकते हो। क्योंकि पिस्टन रिंग का जो क्लॉकिंग है या फिर उसके एडजस्टमेंट है वो एकदम इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके ऊपर ही हमारा जो पिकअप वगैरह है वो डिपेंड करता है, स्मूथनेस वगैरह इंजन का। अगर वो एकदम सही से नहीं हुए तो गाड़ी का पिस्टन और जो ब्लॉक है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, गाड़ी थोड़ी ऑयल कंज्यूम करने लगती है। ठीक है, तो इसके लिए वो एकदम प्रॉपरली आपको सेट करना होता है। ठीक है, तो वो वीडियो देख के आप वो एकदम इजीली कर सकते हो। कि उसके बाद जो पिस्टन है उसकी पोजीशन ये देखो, ये इधर मार्क है, ये आपको एग्जॉस्ट के ऊपर मतलब साइलेंसर के ऊपर रखना है। ठीक है, उस साइड में रखना है। ठीक है, अगर आपको पिस्टन उल्टा बैठता है तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, पिस्टन जल्दी ख़राब हो जाते हैं आपकी, नहीं जो स्कूटर है या फिर मोटरसाइकिल ज़्यादा हीट होने की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो एकदम इजीलिए ये निशान कुछ गाड़ी में अलग होते हैं, कुछ में इन लिखा होता है, आउट होता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो एक ही याद रखना है, ये जो कटरी देखते हो ये एक साइड बड़ी होती है, एक साइड छोटी होती है, जो छोटी होती है वो एग्जॉस्ट की साइड रखनी होती है, क्योंकि जो एग्जॉस्ट का वॉल होता है वो छोटा होता है। कोई भी बाइक ले लो, स्कूटर ले लो, मोटरसाइकिल ले लो, जो 4 वॉल ले लो, वॉल वाली है वो भी ले लो। ठीक है, उसमें एग्जॉस्ट का वॉल छोटा होता है। ठीक है, तो छोटी साइड है वो एग्जॉस्ट की तरफ रखनी है। ठीक है, इसके बाद हम जो ब्लॉक वगैरह ये इंस्टॉल करने वाले हैं। तो पिस्टन पे थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है, और अभी हम ये जो पिस्टन है ये ब्लॉक में बिठा रहे। तो बिठाते वक्त एकदम इसको ध्यान से बैठाना होता है, ये देखो इस तरह, क्योंकि कभी कभी क्या पिस्टन की रिंग वगैरह हिल जाती है जो हमने सेट की है उस जगह से, और अभी टाइमिंग चेंज नहीं है। तो इसके पहले हमने पैकिंग लगा दिया था, और पैकिंग के ऊपर ग्रीस भी लगा दिया था, और ये 2 डॉवल्स है ये चेक करने हैं, ये होने चाहिए, ये नहीं होते तो ऑयल लीकिंग की प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है बाद में। ठीक है, ये बैठ गया, अभी ये पिस्टन घुमा के देखता हूँ, एकदम इजीली चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पिस्टन का काम एकदम प्रॉपर हो गया। ठीक है, अभी हम हेड बिठाएंगे। हेड बिठाने के पहले आपको ये पैकिंग है ये लगा देना होता है, तो पैकिंग आपको ग्रीस लगा के ही लगाना है ये भी। तो पैकिंग के ऊपर मैं ग्रीस लगा तो लेता हूँ। अभी ये जो हमारा ब्लॉक और पिस्टन है ये है प्रॉपरली बैठ गया है। ये देखो, ये जो गाइड होता है ये लगा दिया है हमने, लोअर गाइड। ठीक है, अपर गाइड जो होता है ये हेड में, तो अभी हमें हेड लगाना है। तो हेड लगाने से पहले जो गैस्केट होता है या फिर पैकिंग कहते हैं ये लोग, उसको हमने ग्रीस लगाकर अच्छे से लगा दिया है। तो चेन संभालनी होती है इसमें, ये देखो, और चेन क्या है हमारी अंदर जाएगी, इसलिए ये इस तरह हमें फंसा कर रखनी होती है। ठीक है, ये लग गया। अभी इधर के 4 बोल्ट होते हैं, इस इधर 10 नंबर के नट होते हैं वो लगा देता हूँ, इधर भी नट होते हैं वो लगा देता हूँ। तो हेड हमने लगा दिया, ये जो नट होते हैं ये पूरे टाइट नहीं किए, थोड़े टाइट किए, ये लगाने अभी बाकी है। तो सबसे पहले हम टाइमिंग चेन लगा के लेते हैं। और एक बात पता नहीं रहेगी, ये जो हेड था इसके वॉल वगैरह ख़राब हुए थे, ये हमने वॉल वगैरह बदल दिए, हेड पूरा उसके जो वॉल ग्राइंडिंग वगैरह वो कर दिया, इधर के जो सील्स होते हैं उसको वॉल ट्रिम्स कहते हैं,
वो भी बदल दिए, ठीक है। और वॉल का जो सेटिंग है अभी लूज़ रखना है आपको, एक 1-1.5 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद आपको प्रॉपर वॉल सेटिंग करना है, वो करके लिया है, ठीक है। तो आपको हेड का अगर वीडियो देखना है, हेड को रिस्टोर कैसे करते हैं या फिर हेड की सर्विस कैसे करते हैं, तो ऊपर नोटिफिकेशन आया होगा, जो हेड के ऊपर हमने स्पेशल वीडियो बनाया है वो भी आप देख सकते हो। उसी तरह हमने ये हेड बना के लिया है। तो अभी आपको टाइमिंग चेन का जो टाइमिंग है वो मिलाना होता है। तो ये जो स्प्रॉकेट है ये लगा लेता हूँ मैं पहले, ठीक है। ये स्प्रॉकेट लग गया और ये टाइमिंग देखो, इधर इधर एक मार्क है, इधर एक मार्क है, ये यहाँ पे रखना है। और ये जो टाइमिंग है हमारा, अभी आपको घुमा के दिखाता हूँ, ये जो दोनों लाइन है ना ये इस तरह आनी चाहिए। तो मुझे ये घुमा कर लेना पड़ेगा अभी, और एक राउंड घुमा के लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है डिकम्प्रेसर भी बैठता है ना, इसलिए प्रॉपर एक राउंड हमें ये घुमा कर लेना होता है। ये ठीक हो गया, और अभी देखते हैं टाइमिंग। तो अभी भी टाइमिंग हमारा प्रॉपर नहीं हुआ है, एक जो टीट है वो उस तरफ चाहिए हमें। ये देखो अभी जो हमारा टाइमिंग है ये प्रॉपर हो गया है, नहीं अभी नहीं हुआ है, ये देखो ये हिल गया ऐसे। ये टाइमिंग लगाना ये थोड़ा दिक्कत का काम होता है। अब चेक करो, अब एकदम प्रॉपर लग गया टाइमिंग, ये देखो और ये मार्किंग देखो, एकदम प्रॉपरली टाइमिंग लग चुका है। इसको यहाँ पे लगा देते हैं हम, और ये स्प्रिंग इधर एक छोटा सा होल है उसमें जाएगी, और एक राउंड घुमा के लगाना होता है। ये देखो ये इस तरह लगता है, एकदम ध्यान से देखो एक बार, ये देखो ये इस तरह इधर स्प्रिंग लगानी होती है, और ऐसा क्लॉकवाइज घुमाना होता है। अगर कुछ लोग उल्टा घुमा देंगे तो क्या दिक्कत देगी गाड़ी, ये देखो ये क्लॉकवाइज ऐसा घुमाना होता है। ये हो गया, अभी इसके ऊपर एक कवर आता है, ठीक है कवर लग गया। अभी हमारे जो लिंकी के नट है वो लगाने हैं। तो अभी ये टाइमिंग एकदम प्रॉपरली मिल गया है, और ये जो दो बोल्ट है ये भी लगा दिए, ठीक। और ये जो डिकम्प्रेसर है ये भी एकदम प्रॉपरली वर्क करता है। तो आप पूछोगे डिकम्प्रेसर क्या होता है, डिकम्प्रेसर ये ऑटो डिकम्प्रेसर होता है। तो आपको पुरानी जो मोटरसाइकिल है वो याद आएगी, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 वगैरह पुरानी इंजन वाली, उसमें मैनुअल डिकम्प्रेसर होता है। तो डिकम्प्रेसर क्या होता है, कभी कभी क्या है हमारी जो बाइक होती है बहुत दिन बंद रहती है, ओवरफ्लो होता है, कभी कभी स्टार्ट नहीं होती है, तो क्या इंजन में कॉम्प्रेशन ज़्यादा पकड़ता है। तो उसके लिए कॉम्प्रेशन मतलब जो बर्न हुए गैसेस वगैरह होते हैं ना, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं होती और कभी कभी बैक फायर मारती है। तो जब भी हमारी जो बाइक है बैक फायर मारती है तो ये ऐसे ऊपर हो जाता है, और जो हमारा एग्जॉस्ट का वॉल होता है इससे क्या है जो हमारे सिलेंडर के अंदर जो भी अनबर्न गैसेस रहे वो बाहर निकल देता है। इससे हमारी जो बाइक है ये जल्दी स्टार्ट हो जाती है, और जो बैक किक वगैरह मारती है या फिर स्टार्टर है गाड़ी में तो बैक मारती है तो स्टार्टर का व्हील वगैरह टूट जाता है, इससे ये बचाता है। तो ये इस तरह प्रॉपरली वर्क होना चाहिए, और ये पूरा दबाने के बावजूद भी ये जो स्प्रॉकेट है इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, ये बाहर जाता है तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो क्या ऐसा ही लगा दोगे तो क्या पूरी हेड का वगैरह वाइट लगा देगा, ये टूटेगा रनिंग में, ठीक है। तो ये हमारा जो डिकम्प्रेसर है ये प्रॉपर है, इसे बाहर भी नहीं जा रहा है, मतलब एकदम प्रॉपर है, ठीक है। इसके बाद ये जो टैपिट कवर है ये वगैरह लगा देते हैं, और जो हमारा टेंशनर है ये टेंशनर जो होता है इसमें एक छोटा सा स्क्रू होता है, वो कैंची से या फिर छोटा स्क्रू ड्राइवर है उससे आप
ऐसे एकदम नॉर्मल पोजीशन डिफॉल्ट पोजीशन पे ले जा सकते हैं और इस तरह बिठाना है। तो बिठाने से पहले मैंने ग्रीस लगा के लिया है पैकिंग को और इसको अभी छोड़ देना है, ठीक है। ये बैठ गया, इसके बाद इसके 8 नंबर के जो बोल्ट है ये लगाने, तो एक नट लगा के लेता हूँ मैं, सॉरी बोल्ट लगा के लेता हूँ। ये छोड़ना नहीं, छोड़ देते हो तो आपको क्या फिर से ये डिफॉल्ट पोजीशन में मतलब ज़ीरो पोजीशन में लेके आना पड़ता है। तो ये लग गया, ठीक है। भी दूसरा भी लगा देता हूँ, इसके बाद जो टैपिट कवर वगैरह है वो सब लगा देता हूँ। यह हमारी जो फिटिंग है ये हो गई, अभी क्या कुछ स्पेशल ऐसा बचा नहीं है, टैपिट कवर वगैरह एकदम सिंपल सी चीज़ें ऐसी। तो इंजन का वगैरह फिटिंग प्रॉपर हो गया है, ठीक है, और गाड़ी भी स्टार्ट हो रही है। मैंने ट्रायल भी मार के देखी और कुछ फिटिंग जो फाइबर के पीसेस होते हैं उसका अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाऊँ, एकदम इंजन स्मूथ हो गया और पिकअप भी एकदम मस्त आ गया, क्योंकि मैंने ट्रायल लेके देखे ना, पिकअप तो एकदम मस्त आ गया है। जैसा पहले ज़रा भी पिकअप नहीं था, अब एकदम मस्त पिकअप आ गया है और स्मूथनेस भी काफ़ी ज़्यादा आ गया है। तो अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, ये देखो विदाउट एक्सीलेटर फर्स्ट स्टेप में हमारी जो स्कूटर है वो स्टार्ट हो गई है। और ये देखो इंजन एकदम स्मूथ हो गया है। और अभी आपको इसका पिकअप चेक करके दिखाता हूँ। जैसे ये जो मिट्टी वगैरह है इसमें आप सडनली एक्सीलेटर देते हो ना तो टायर उसका स्लिप होता है, इतना अच्छा पिकअप भी आ गया है। तो इस तरह जब भी हमारे स्कूटर का 31,000 रनिंग हो जाता है 30,000 किलोमीटर तक, तब उसका जो हेड है वो डिकार्बन वगैरह करना पड़ता है और टाइमिंग चेन वो अपने चलाने के स्टाइल के ऊपर होता है। तो जब भी आवाज़ आता है तो टाइमिंग चेन हमें बदलनी पड़ती है। तो ये दोनों जो प्रोसीजर है ये हमने एक ही वीडियो में कवर कर दी थी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो, आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ।